अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील रज़ा और हम इस वक्त मौजूद हैं रमदान बॉर्डर पे और ज़्यारतों के लिए जा रहे हैं ईरान इंशाल्लाह ताला। कुछ ही देर में हम ईरान बॉर्डर में होंगे। हम यहाँ 6:30 बजे पहुँच गए थे, कल रात से निकले हुए हैं। कल रात 8 बजे से, गालिबन 8:30 बजे से हम निकले हुए हैं। मैं हूँ, ये मेरे साथ मौजूद हैं हैदर, अस्सलाम वालेकुम, और वो यासूब है, वो सबको बुला रहा है। ये बॉर्डर है, सब देख रहे हैं, और ये यासूब चिल्ला रहा है बार बार के आ जाओ चाय पी लो। ये चंद अफराद हैं, और ये चंद अफराद हैं, बाकी ये है बहुत अच्छी और ज़रा हल्की हल्की सी ठंड है, ज़रा ठंड नहीं है यहाँ पर। और ये क़िबला, ये है हमारे क़िबला, और ये है वाहिद सेलिब्रिटी के जिनके इस्तकबाल के लिए पूरा ईरान मौजूद था। ये विक्ट्री लोग आ रहे हैं, अभी तो नहीं हुई है काफ़ी लोगों की, अभी वोट के भी आ रहे हैं। और ये बोर्ड है वेलकम टू पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से ये इस तरफ ईरान है। ये हसन रदा साहब हैं, कैसे आप? कैसा रहा आपका सफ़र? नींद आ गई है, ये शुक्र सबसे ज़्यादा ये सोया पूरी बस में। ये यजदान है, जैसे सिंधी बॉयज का है कि जैसे ही वो कहीं सफ़र पे जाते हैं सबसे पहले सनग्लासेस लगाते हैं, सबसे पहले तैयार उतार लिया मैंने। और इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट देते रहेंगे अपने सफ़र के हवाले से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा पेज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर क़िबला ये कह दें तो मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएं। सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कर देगा भाई, कैसी सीरीज जा रही है दीप भाई। हम ये अल मुमताज कोच से आए थे यहाँ पर, और रात के कुछ 8-9 बजे करीब अंचोली कराची से निकले थे। वैसे तो हम ये 12-13 अफराद हैं जो एक अंजुमन के हैं, लेकिन हमने ये ज़रूरी समझा कि हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, तो हमने ग्रुप आले इमरान को ज्वाइन किया। ये बिल्कुल नया बॉर्डर है, कुछ अरसा हुआ है इसको खुले हुए ही। आपको सामने ईरानी बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, बस इंतज़ार यह है कि थोड़ी देर में बॉर्डर खुले और हम इमिग्रेशन कराएं बॉर्डर की तरफ। ये हमारे ग्रुप लीडर हैं खुर्रम भाई, कैसे हैं? ये हमारे ग्रुप लीडर हैं इमरान भाई, और सालार हैं ये कारवान आले इमरान के। सबको बोला अपने पासपोर्ट बाहर निकालना, वो टाइम लगा हुआ है ना जी, वो फोटो के लगा, फिर आगे जाओगे वो कमरा नज़र आ रहा जी, उसको चलेगा। ये मेरे पीछे ईरान बॉर्डर है के, और बस इमिग्रेशन करेंगे फिर इंशा ताला आप लोगों से बात होगी ईरान पहुंचने के बाद। ये इमिग्रेशन लाइन है, और यहाँ पर हमारे पासपोर्ट देखे जाएंगे, इमिग्रेशन होगा आगे जी। तो मैं ये वीलॉग बनाता रहूँगा, मेरे को ऐसा तजुर्बा नहीं है वीलॉग बनाने का, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये रमदान बॉर्डर पर, और काफ़ी टाइम लग गया हमें पहुँचने में, लेकिन अब ये है कि यहाँ से हम चाबहार जाएंगे, और चाबहार हम 5-6 घंटे स्टे करेंगे, फिर उसके बाद हम ज़ायदान की तरफ जाएंगे, ज़ायदान से फिर हमारी ट्रेन है कुम की तरफ। बाकी ये हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। हाँ भाई यजदान, कैसा रहा सफ़र? बेहतरीन सफ़र रहा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ा भी आया और आरामदेह भी था जी। हसन रजा था, बहुत अच्छा आरामदेह था। इस वक्त हम मौजूद हैं चाबहार में, और यहाँ पे हमने स्टे लिया था सुबह को, और बॉर्डर क्लियर करने के बाद, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम लोग इधर एक घर लिया हुआ था, इस घर में आ गए थे, यहाँ पे हमने स्टे लिया है, और अभी यहाँ पे कुछ 8 बज रहे हैं, तो ज़्यादा 9 बजे तक हम लोग
जायदाद के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकी आप कमरे का मॉल देख सकते हैं, ये सारे ऐसे तो बहुत अच्छा ये सफ़र अभी तक जा रहा है, और मौलों से दुआ है कि सफ़र आगे भी बेहतरीन जाए। बहुत सुकून रहा, आरामदेह सफ़र रहा, और कल हमारी इंशाल्लाह ताला 11 बजे यहाँ के ईरान के वक्त के मुताबिक 11 बजे की ट्रेन है जो जायदान से घूम जाएगी, तहरान जाएगी, वहाँ से हम घूम जाएंगे।